म्यूचुअल फंड्स, म्यूचुअल फंड्स पता है सबको क्या है? कितनों ने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है म्यूचुअल फंड्स में? बहुत कम लोगों ने। क्यों नहीं किया हमने इन्वेस्ट? पता ही नहीं। नंबर वन, करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है। नंबर टू, हम डरते हैं, हमें लगता है म्यूचुअल फंड भी कोई स्कीम है कि पैसा इकट्ठा किया और कल को अगर भाग गए या बंद हो गया तो पता नहीं क्या होगा। ये पैसा आपका 100% सेफ है बिकॉज इट इज रेगुलेटेड बाय सेबी, तो यहां पर डरने की जरूरत नहीं है मेरा पैसा चला जाएगा। बस हमको यहां पे स्मार्टली प्ले करना पड़ेगा। सो व्हाट वी नीड टू डू इज, एक तो आपने अपने 6 महीने का जो अपना कॉर्पस है उसको अलग कर दिया, यानी जो पैसा आपको चाहिएगा उसकी आपने FD करा दी, इंश्योरेंस वगैरह को प्लान कर लिया अच्छे से। फिर जो पैसा आपका बचा उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो थ्रू SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इट इज एन एक्सीलेंट ऑप्शन। नेवर ट्राई टू गेट इन टू स्टॉक्स डायरेक्टली अगर आपको बहुत ही डीप नॉलेज नहीं है शेयर मार्केट की तो। हाँ, यू आर क्वालिफाइड इन दैट और आपका काम ही वही है तब तो ठीक है, बट किसी की सलाह सुनी कि यार, या कोई कहानियां सुनी कि ये शेयर पहले इतने इतने का था अब इतने का हो गया, सुनी होंगी ऐसी कहानियां। नेवर इन्वेस्ट इन स्टॉक्स डायरेक्टली, क्योंकि कुछ नहीं पता कि वो कंपनी का क्या होने वाला है। हो सकता है आपका 100 रुपये आपने पूरा जो भी आपने जोड़ा या 1 लाख रुपए आपने जोड़ा और किसी के एडवाइस पे आपने उठा करके लगा दिया, वो 1 लाख रुपए 10,000 भी रह सकता है कुछ टाइम के अंदर अंदर, पता भी नहीं लगेगा। कहते हैं ना, नेवर पुट ऑल योर एग्स इन दी सेम बास्केट, इन वन बास्केट। तो अब करें क्या, क्योंकि अब प्रॉब्लम क्या है, इन्फ्लेशन अगर है 6% का और FD में आपको मिल रहा है 7%, तो अल्टीमेटली आप कितना कमा रहे हो? 1%। 1% से क्या होगा, करोड़पति बन जाओगे? इम्पॉसिबल। तो आप क्या कर सकते हो, अपना आधा पैसा सेफ जगह पर रखो। सेफ जगह क्या है? FD हो गया। FD में भी एक और चीज है जो बहुत लोगों को नहीं पता है, वो क्या है कि ऐसे एक तो है बैंक में आप FD कराते हो, एक है कुछ कंपनीज है जो क्रिसिल से या इकरा से, ऐसे ये कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहां से AAA rated है। AAA rated का मतलब होता है हाईली सिक्योर, एज सिक्योर एज अ बैंक। वहां पर अगर आप FD कराते हो तो आपको 9% तक का इंटरेस्ट मिल जाता है। ये जो सुनने में लगता है ना 7% और 9%, ये अभी छोटा लगता है लेकिन आने वाले 20 साल बाद इसकी कितनी बड़ी अमाउंट होती है अगर आप कंपाउंडिंग को बीच में ले आओ, दैट यू कांट इवन थिंक इन द वाइल्डेस्ट ऑफ योर ड्रीम्स। कंपाउंडिंग कितने लोगों को पता है? बहुत कम को। देखो, कंपाउंडिंग मतलब होता है जो हमको इंटरेस्ट मिलता है हमारे पैसे पे, जहां भी हम इन्वेस्ट करते हैं उस इंटरेस्ट पे भी तो इंटरेस्ट मिलता है ना। मान लो आपने 100 रुपए इन्वेस्ट किया, 1 साल बाद 20% की रिटर्न आई, तो अगले साल 120 पे 20% मिलेगा, कितना हो गया? 144। उसके अगले साल 144 पे 20% मिलेगा, 100 पे नहीं मिलेगा। और जब इसको आप इस तरीके से देखते चले जाओगे तो ये फिगर देखने में छोटी लगेगी, शुरू छोटे से होगी, शुरू होगी 2,000-3,000-5,000 से, ये करोड़ों में पहुंचने में देर नहीं लगेगी। मतलब हर महीने का मैं कंजर्वेटिव भी पकड़ता हूं, अगर 2,000-3,000 रुपए भी हम सेव करते हैं, उसको स्मार्टली इन्वेस्ट करते हैं, इतना सा सीख जाते हैं, तो बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाएगा हमारी लाइफ में आने वाले कुछ साल बाद, ह्यूज डिफरेंस। तो आपको दिमाग ये लगाना है कि लॉन्ग टर्म में बेस्ट पॉसिबल ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल है। जैसे आप में से कितने हैं जो मैरिड हैं और जिनकी कोई डॉटर है, तो एक गवर्नमेंट की तरफ से एक स्कीम है सुकन्या योजना करके, सुना है इसके बारे में? दैट इज एन एक्सीलेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडाइज्ड है वो, तो वहां पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 9% की रिटर्न जो गवर्नमेंट की तरफ से मिल रही है आपको, और हर साल का आपके ऊपर है आपको कितना इन्वेस्ट करना है। हाईएस्ट लिमिट 1.5 लाख की है, बट आपके ऊपर है, किसी साल में आपने 10,000 कर दिया, कभी 20,000 कर दिया, ऐसे आप करते रहे ओवर अ पीरियड ऑफ नेक्स्ट 15-20 ईयर्स, उसके बाद में एक बहुत बड़ा कॉर्पस उसको मिलेगा अपने एजुकेशन के लिए या किसी भी चीज के लिए, फ्यूचर के लिए। इसको बोलते हैं स्मार्ट इन्वेस्टमेंट। पैसे से पैसा कैसे कमाना है, ये बहुत बड़ी आर्ट है, क्योंकि ये जिसको आती है और अगर उसकी कमाई कम भी है तब भी वो आने वाले 20-30 साल बाद बिल्कुल ऐसा जैसे कछुआ और खरगोश की कहानी, इमीडिएटली नहीं। मान लो कोई बंदा है 50,000 रुपए कमा रहा है लेकिन वो स्मार्टली इन्वेस्ट कर रहा है, दूसरी तरफ से कोई बंदा है जो 1 लाख रुपए महीने का कमा रहा है लेकिन ना तो ढंग से पैसा बचा रहा है ना समझदारी से इन्वेस्ट कर रहा है, तो आने वाले 20-30 साल बाद ये जो 50,000 वाला है ये उससे बहुत आगे होगा, ये करोड़ों में होगा, और उस बंदे के हाथ में कुछ भी नहीं होगा, वो हो सकता है डेट में हो,
मतलब उसके ऊपर कर्जा होगा और ये बंदा ऐसा होगा जो कर्जा देने लायक पोजीशन में होगा, ऐसा भी हो सकता है ये अगर हम बेसिक से फंडों को समझते चले जाएं तो। तो अब ध्यान से समझना, अब यहां पर हम कहां तक पहुंच गए थे, SIP इज एन एक्सेलेंट ऑप्शन। SIP का मतलब होता है कि आपने अपना एक अमाउंट फिक्स कर लिया, हर महीने का इतना अमाउंट तो SIP में देना ही देना है म्यूचुअल फंड में। अब म्यूचुअल फंड कैसे चूज करें, हजारों म्यूचुअल फंड हैं। लार्ज कैप इक्विटी फंड को पकड़ो, वो भी कुछ वेबसाइट्स है जैसे मनी कंट्रोल है, वैल्यू रिसर्च है, वहां पर जाकर के देखो उन फंड्स की रेटिंग कम से कम 4 से 5 स्टार होनी चाहिए। कोई ऐसा फंड है उसकी 1 या 2 स्टार की रेटिंग है मत करो उसमें, बल्कि ऐसा फंड होना चाहिए जो हर वेबसाइट पे 4 या 5 स्टार की रेटिंग हो। अब आपने क्या किया कि हर महीने का अपना एक अमाउंट फिक्स कर लिया, दैट कुड बी एनीथिंग, 1,000 रुपए, 2,000 रुपए, 3,000 रुपए, 4,000, 5,000, व्हाटएवर दैट अमाउंट इज, SIP के थ्रू ऑटोमेटिकली इतना अमाउंट आपके अकाउंट से डेबिट होता चला जाएगा ओवर अ पीरियड ऑफ नेक्स्ट 10 years, 20 years, 30 years। अभी स्मार्ट इन्वेस्टमेंट क्यों है, एक तरफ से मैं इंश्योरेंस के लिए मना कर रहा था, इसके लिए स्मार्ट क्यों है, क्योंकि यहां पे आपका पैसा नहीं कट रहा है, जो पैसा आप लगा रहे हो पूरा का पूरा इन्वेस्ट हो रहा है। इसमें भी 2 ऑप्शन है, एक आप ब्रोकर के थ्रू जा सकते हो, एक है डायरेक्ट जा सकते हो, तो वहां पे आपका 1% और बच जाएगा। मान लो टोटल 1.5% कटना था हर साल का, तो अब कितना कटेगा, सिर्फ 0.5%। अभी 1% सुनने में छोटा लगता है, बट ओवर अ पीरियड ऑफ 20-30 years ये लाखों रुपए का होता है। मतलब डिसीजन लेने में कुछ मिनट्स लगते हैं इन बातों को समझने में, लेकिन आने वाले टाइम में यही फर्क होगा कि आपके अकाउंट में लाखों है, करोड़ों है, क्या है। अच्छा, म्यूचुअल फंड क्यों और स्टॉक्स क्यों नहीं, क्योंकि स्टॉक्स में आप 1 या 2 या 4 में इन्वेस्ट कर रहे हो, म्यूचुअल फंड जो है वो डिवाइड कर देते हैं, वो मान लो 50 में उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया, तो अब अगर उसमें से एक कंपनी बंद भी हो गई तब भी प्रोपोर्शनेटली जो आपने इन्वेस्टमेंट करी है उसमें उसका परसेंटेज क्या था, मान लो 2%, तो आपका 100 रुपए 98 रह गया, बस इतना ही हुआ। अब मार्केट में सबसे बड़ा डर लोगों को यह होता है जो म्यूचुअल फंड में नहीं इन्वेस्ट करते हैं कि कल को नीचे आ गया तो क्या होगा, क्योंकि नीचे आने की कोई लिमिट नहीं है। FD में यह है कि नीचे नहीं आएगा, इंटरेस्ट कम हो सकता है, नीचे नहीं आएगा, तो म्यूचुअल फंड में लोग नीचे आने के नाम से डरते हैं, ऊपर जाने में कोई डर नहीं है। अगर गारंटी मिल जाए कि भैया साल का इतना परसेंट तो आना ही आना है और आता ही रहेगा जिंदगी भर, तो कोई डर ही नहीं है, फिर तो सारे लगा देंगे, बट कोई गारंटी नहीं है ना, और नीचे भी जा सकता है। तो अगर कुछ ऐसा हो जाए कि अगर म्यूचुअल फंड नीचे भी जाए तब भी आपका फायदा हो जाए, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई ना। ये मेरी अपनी स्ट्रैटेजी है, ये कोई किसी बुक में नहीं है या कोई थ्योरी नहीं है, ये मेरी अपनी स्ट्रैटेजी है, वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ। आपको क्या करना है, मोटा मोटा स्टॉक मार्केट को ट्रैक करना है, हफ्ते में एक दिन देख लो कि अभी कितने पे चल रहा है। मान लो एक पीक है, पीक अभी मान लो 40,000 है, अभी मार्केट चल रहा है अराउंड कितना, 36, 37 के अराउंड चल रहा है। तो मेरी स्ट्रैटेजी क्या है, जैसे ही मार्केट 20% से नीचे गिर जाए, कि मार्केट की ये पीक है, मान लो 40,000 है, अब मार्केट 30,000 पे आ गया है, तो आपने क्या किया, पहले इन्वेस्ट किया हुआ था SIP में, लार्ज कैप्स में, आप इमीडिएटली जैसे ही मार्केट 30 पे आई आप स्विच कर गए मिड कैप में, नॉट इवन इन स्मॉल कैप, मिड कैप। अब ऐसा क्यों किया, क्योंकि जब मार्केट 20% टूटेगा, सेंसेक्स का मतलब लार्ज कैप्स जो बड़ी कंपनीज हैं, जब मार्केट 20% टूटेगा, यानी बड़ी कंपनीज के जो शेयर्स हैं वो 20% से टूटेंगे, तो जो छोटी कंपनीज हैं उनके शेयर्स 50 से 60% 70% तक टूट जाएंगे। तो जब वो 60% टूटा तो 100 की चीज आपको कितने में मिल गई, 50 में या 40 में। तो जब मार्केट नीचे भी गया तो आपका फायदा हो रहा है, ये स्ट्रैटेजी समझ आ गई। वापस से जैसे ही मार्केट जो भी लास्ट उसकी पीक थी मान लो 40,000, उससे 20% ऊपर गया, तो मिड कैप से आप स्विच कर गए वापस से लार्ज कैप में। ये स्ट्रैटेजी जो है ये मैंने सीखी है वॉरेन बफे से। उनका जो बेसिक सा फंडा है, मतलब अगर एक लाइन के अंदर बोला जाए, वो क्या है कि जब मार्केट बहुत ज्यादा ग्रीडी हो तो डरो, और जब मार्केट डरा हुआ है तो ग्रीडी हो जाओ। बेसिक सा फंडा है, मतलब जब सब डरे हुए हैं तो थोड़े से लालची हो जाओ, और जब सब लालची हो रहे हैं मतलब मार्केट ऊपर भाग रहा है तो डरने लग जाओ। तो लार्ज कैप में डर कम है, मिड कैप में डर ज्यादा है, तो जैसे ही मार्केट नीचे जाएगा मिड कैप को सब छोड़ देंगे, उस वक्त आप उसको पकड़ लोगे। तो अब चाहे मार्केट ऊपर उठे तब भी आपका फायदा है, नीचे गिरे तब भी आपका फायदा है, आप वेट कर रहे हो। मैं आज एक्चुअल में वेट कर रहा हूं। लोग हैं डरते हैं, जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, लोग डरते हैं कि मार्केट नीचे ना आ जाए, मार्केट ऊपर जाए। मैं वेट कर रहा हूं, जाए तो सही नीचे
समझ गए? क्योंकि लार्ज कैप टूटेगा 20%, तो मिड कैप टूट जाएगा 60%। तो मेरा 100 रुपये लगा हुआ था तो 80 रह जाएगा, उस 80 को उठा करके मैं मिड कैप में डाल दूंगा, फिर आराम से बैठ जाऊंगा कुछ सालों के लिए। जैसे ही मार्केट ऊपर जाएगा, मतलब लोग लालच से तड़प रहे हैं, तब जैसे ही 20% ऊपर गया, मान लो 48,000 पे गया, मिड कैप से हट करके मैं आ जाऊंगा लार्ज कैप में, वापस से सेफ हो गया। अब जो नया पीक बन गया वो क्या बन गया, 48,000। आज की रेट में क्या है, 40,000। अब 48,000 पे 2020 चलेगा। आ गया गेम समझ में? तो यहां से आप पीसफुल हो, नहीं तो लोग डरे ही रहते हैं म्यूचुअल फंड के नाम से, डरते हैं। क्यों डरते हैं? अरे कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है। कम हो रहा है तो बढ़िया है, तब भी आपका फायदा है, और बढ़ रहा है तो फायदा है ही है। समझ गए? ये बेसिक सा फंडा है, हमेशा याद रखना। मतलब मासेस की जो साइकी है, उससे आप कुछ अलग करोगे तभी आपके साथ कुछ अलग होगा, नहीं तो पूरी मार्केट रो रही होगी, आप भी बैठ करके रो रहे होंगे, अरे टूट गया टूट गया टूट गया टूट गया, टूट गया, टूट गया। अरे गिर गया, मैं बर्बाद हो गया, मैं बर्बाद। बर्बादी में भी आपका जश्न होगा अगर इस तरह से आप समझ पा रहे हो तो। थैंक यू सो मच।